नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपको याद दिला दें, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को आपके बहुत से जाने पहचाने चेहरे आने वाले हैं वहाँ पर एज स्पीकर्स। उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे चर्चाएँ कर सकते हैं, अवश्य करें मीट और ग्रीट। आज जिहाद का एक और चैप्टर आरंभ हो गया इसराइल में। आज सवेरे हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पर अचानक आक्रमण कर दिया। 500 से अधिक रॉकेट्स छोड़े गए और उसके साथ उनके लड़ाके जो हैं वो कुछ निकल के हमास का जो इनक्लेव है गाज़ा पट्टी वाला वहाँ से निकल कर और उन्होंने सिविलियंस पर, अनआर्म्ड सिविलियंस पर हमले किए, उन पर गोलियाँ चलाईं और लगभग 40 से 50 को मारा। और जो एक जो इस समय जो चल रहा है वो आपको हम याद दिला दें कि जिस प्रकार से आप ध्यान करें मध्ययुगीन काल में जिस प्रकार से इस्लामी सेनाएं आकर हमारे यहाँ आक्रमण कर कर और निरपराध औरतों और बच्चों को या तो क़ैद करके लेके उनको ग़ुलाम बनाती थी, सेक्स स्लेव बनाती थी, उसी तरह की घटना आज एक देखने में आई है जिसमें एक इजरायली महिला सैनिक को नंगा करके उसकी जान लेके और उसको परेड करा रहे हैं गाज़ा में और साथ में नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे के पूरे वो जो गाज़ा की पट्टी की जो जनसंख्या है वो एक साथ मिलकर इस जघन्य कृत्य का न केवल समर्थन कर रही है, उसके ऊपर नारे तकबीर लगा के उसका समर्थन कर रही है और साथ में जाकर थैंक्स गिविंग कर रही है। तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अंततः इस पूरे कल्ट की समस्या क्या है, और वह समस्या है जिहाद। जी हाँ, क्यों जिहाद? आप सोचें कि हमास क्या है, हमास की हैसियत इसराइल के मुकाबले में क्या है। आप याद करें कि इसी क्षेत्र में 1967 के युद्ध में जो 6 दिन का युद्ध हुआ था उसमें बुरी तरह से हारने के बाद, सबसे पहले 1948-49 में सारी की सारी अरब सेनाएं मिलकर इसराइल को समाप्त करना चाहती थीं, बुरी तरह से हारी थी। उसके बाद फिर 1967 में मिस्र और सीरिया, जॉर्डन, इनकी सबकी सेनाएं मिलकर लड़ी थीं इसराइल से और पूरा का पूरा जो साइनाई था, जो स्वेज का इलाका था, इनके जो गोलन हाइट्स थी, जेरूसलम का जो इलाका था, वो सब का सब इसराइल ने जीत लिया था। पश्चिमी जो वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं वो भी जीत लिया था। इसराइल की सीमाएं जो थीं वो जॉर्डन रिवर तक पहुंच गई थी। उसके बाद फिर 1973 का युद्ध हुआ जिसको योम किपर वॉर कहते हैं, वो भी इन्होंने जो है वो रमज़ान के महीने में किया, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो, हालांकि हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि समझाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरों को कि ये जो है ये बड़ा ही शांति का महीना होता है, लेकिन वस्तुतः यह युद्ध का महीना होता है। और वो योम किपर वॉर जो है वो भी रमज़ान के महीने में लॉन्च किया गया था और उसमें पहले इसराइल को थोड़ा सा सेटबैक हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा का पूरा स्वेज कैनाल कब्जा कर लिया था। ये स्थिति आ गई थी। बाद में फिर मेनाचेम बेगिन और अनवर सादात में एक बड़ा समझौता हुआ जिसके लिए दोनों को नोबेल पीस प्राइजेज मिले, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि यासिर अराफात का कोई इरादा नहीं था कि किसी भी प्रकार से कोई शांति लाई जाए। जब यासिर अराफात को इसके लिए लोगों ने दोषारोपण किया तो उसने केवल एक शब्द कहा था और पूरी भीड़ शांत हो गई थी। उसने क्या कहा था? हुदैबिया। हुदैबिया क्या है? हुदैबिया की जो संधि है वो एक इस प्रकार की संधि है जिसमें जब मुस्लिम सेनाएं कमज़ोर होती हैं तो वो अपने आप को समय देने के लिए, टाइम बाय करने के लिए एक ऐसा समझौता करती हैं जिससे उनको समय मिल जाए, दूसरा जो शत्रु है वो थोड़ी देर के लिए वो निश्चिंत हो जाए कि
कुछ भी नहीं हो रहा है और सब शांति है, शत्रु जो है वो निश्चिंत हो जाए कि अब तो हमारा समझौता हो गया है, इसलिए अब इनकी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन वो हुदैबिया की संधि इसी प्रकार की थी कि उसको तब तक संधि को रखा गया जब तक कि नबी हुजूर के पास वापस ताकत नहीं आ गई, और फिर उन्होंने उसको किसी बहाने से संधि को तोड़कर वापस हमला कर दिया। तो जैसे ही यासिर अराफात ने कहा हुदैबिया, सारे के सारे शांत हो गए, सारे के सारे समझ गए कि ये इसराइल को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कार्य किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्या क्या है, समस्या ये है कि बड़ी किताब कहती है, जी हाँ, 7.128, कि ये सारी ज़मीन अल्लाह की है और इस पर हक जो है अल्लाह के बंदों का है, इसलिए किसी और का इस ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर कोई हक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, अगर कहीं भी मुसलमान शासन रहा है और वह ज़मीन दौरे खलीफा रही है तो उसको वापस अपने कब्ज़े में लेना हर मुसलमान का कर्तव्य है। जी, इसी लॉजिक से पाकिस्तान जो है वो भारत को वापस कब्ज़े करना चाहता है। वो ये कहता है कि भारत उसका दुश्मन है। भारत उसका दुश्मन क्यों है? यहाँ लोग जो हैं वो अपना माथा पीटते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने तो इनको जो खुशी खुशी इतना हिस्सा दे दिया कि भाई तुम अलग रहो, मस्त रहो, हमको तंग मत करो, लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम इनके दुश्मन हैं। वो इसलिए कहते हैं जनाब क्योंकि उनका ये मानना है कि आपने इनकी ज़मीन जो एक वक्त पर दौर खलीफ़ा थी, यानी कि जो मुग़ल शासन के अंतर्गत आती थी, पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है वो पूरा का पूरा भारतवर्ष इस्लामी शासन के अंतर्गत आता था एक समय में। मुश्किल से वो वक्त रहा होगा कोई 20-25-30 वर्ष का, लेकिन उसमें यदि एक बार वो दौर खलीफ़ा हो गई तो वो हमेशा दौर खलीफ़ा रहने के काबिल है, और उस पर यदि हिंदुओं का शासन है तो वह इल्लीजिटिमेट है, वह अवैध है। और क्योंकि हिंदुओं ने उनके दौर खलीफा पर कब्ज़ा कर लिया है, इसलिए वो उनके दुश्मन हैं। इसी तरह से इज़राइल जो है वो ऐसी ज़मीन पर है जहाँ पर बहुत लंबे समय तक केवल और केवल इस्लाम का शासन था, और उस इस्लाम के शासन में यदि यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश बनाकर वहाँ पर अपना एक अलग शासन चला लिया है तो ये उनका परम कर्तव्य है कि उनको वहाँ से हटाएं। ये है सारे झगड़े की जड़। तो इस झगड़े की जड़ जो है वो थियोलॉजी में है भाई साहब। इस झगड़े की जड़ किसी ना तो अत्याचार में है, ना किसी ऑपरेशन में है, और ना किसी ज़्यादती में है। इस झगड़े की सारी जड़ जो है वो इस्लामिक थियोलॉजी में है, और इसीलिए आज यह जानते बूझते हमास ने हमला किया। अच्छा, यह आतंकवादी जो हैं वो सदैव इस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि यदि वो हमला करते हैं और उसमें जीत जाते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि भाई ये देखिए कि अल्लाह उनके साथ था, और जिस तरह से ग़ज़वाए बदर में उन्होंने नबी हुज़ूर को फ़तेह दिलवाई, उसी तरह से उनको फ़तेह दिलवाई, इसलिए सारे के सारे लोग जो है वो इस्लामी बन जाओ, और ये जो ज़मीन उन्होंने फ़तेह की है उसको भी इस्लामी कर दिया जाए, और जो औरतें बच्चे उनको तो ग़ुलाम बना लिया जाए और बाकी सबको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह की बातें इतिहास में अनेकों बार हुई हैं, यहाँ फ़िलिस्तीन में भी हुई हैं। आप याद करें वो ज़माना जिस वक्त पर ये आपकी खलीफाओं की जो सेनाएं थीं वो यहाँ पर जा रही थीं, और खलीफाओं की सेनाओं ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, रोमन एम्पायर से इसको खाली किया था, उस वक्त भी यही कार्य हुए थे। अब चूंकि यहूदियों ने अपना हिस्सा, उनका जो है उनकी थियोलॉजी अलग है, उनकी थियोलॉजी कहती है कि भाई उनको ये उनकी जो है दो प्रॉमिस्ड लैंड है, और उनका जो खुदा है यानी यहोवा, उसने उनको ये प्रॉमिस किया कि यहाँ पर उनका राज होगा, और वो वहाँ पर आ गए, इसलिए उनकी तो जो एक प्रॉमिस थी वो उनके खुदा ने पूरी कर दी है। तो इनका कहना है कि ये हमारी ज़मीन थी और ये दौर खलीफा है, इस पर हमारा राज होना लाजमी है, तो इसलिए वो हमले करते हैं। हमले में यदि जीत जाएंगे तो मैंने आपको कहा कि वो हो जाएगा कि साहब ये देखिए ये अल्लाह का फ़ज़ल है,
और हम तो हैं ही जीतने के लिए, हमें पूरे दुनिया पर कब्जा करना ही है। बड़ी किताब 8.39 कहती है कि भाई जब तक किस तब तक चुप नहीं बैठना है जब तक कि पूरे दुनिया के हर कोने पर इस्लाम नाफिज ना हो जाए। तो ये आतंकवादी यदि मारे जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए साहब, हमने शहादत फ़ी सबीलिल्लाह दी है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं, जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह और शहादत फ़ी सबीलिल्लाह, मार्टर्डम इन द वे ऑफ अल्लाह, तो उसके लिए वो जो है वो आखिरत में जाएंगे, जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होती है। ये बात बिल्कुल सारे के सारे इस्लामी लड़ाके यही कह के लड़ाई के लिए जाते हैं कि हम तो जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे और हमें हूरें मिलेंगी। नेतन्याहू ने ही कहा था इसी संदर्भ में कि भाई हिटलर ने पूरे विश्व को युद्ध में झोंका और लगभग पूरे विश्व को समाप्त ही कर दिया। क्यों? क्योंकि वह मास्टर रेस थ्योरी में विश्वास करता था। उसका कहना था कि जर्मन्स आर आर्यंस एंड आर्यंस इज द मास्टर रेस, तो उसकी थी मास्टर रेस थ्योरी, और इन इस्लामियों की है मास्टर फेथ थ्योरी। वो कहना है कि देर इज ओनली वन फेथ दैट इज द मास्टर फेथ एंड दैट इज इस्लामिक फेथ एंड एवरीबडी हैज टू बी सब्जुगेटेड टू दिस, और इसीलिए इनको टोटलिटेरियन वॉर करने में और औरतों बच्चों को गुलाम बनाने में, सेक्स स्लेव बनाने में, उनको नंगा करके परेड कराने में इनको किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होती। लेकिन अब इसराइल क्या करेगा वो देखना है। मेरी तो इसराइल से गुजारिश होगी कि ये जो गाज़ा पट्टी जो आपने खाली की थी, वो जो आपने अकॉर्ड किया था, जो बेगिन सादात का जो समझौता हुआ था, उसको तोड़िए और ये गाज़ा पट्टी फिर से रीऑक्यूपाई कीजिए, और रीऑक्यूपाई करके यहाँ पर जो भी हैं उनको आप दूसरी फेथ में कन्वर्ट कीजिए। जूस तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपका कहना है कि जूस तो वही बन सकते हैं कि जो कि किसी जूश मदर के गर्भ से पैदा हुए हों, तो आप इनको कुछ भी और बना दीजिए, क्रिश्चियन बना दीजिए, हिंदू बना दीजिए, लेकिन इनको इस्लाम से बाहर निकालिए। जब तक ये इस्लाम के बंदी रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी स्तर से इनके मन से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। आतंकवाद समाप्त करना है तो आतंकवाद की जड़ पर मट्ठा डालिए, चाणक्य की तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।